मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं हूँ मोनिका और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मेरे दिमाग में एक बात आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मेरे यहाँ दूध आज फट गया है, तो उसमें का वो जो होता है ना छेना, उसका क्या करें। तो आज मुझे मेरा मन किया कि मैं मिठाई बनाऊँ रसगुल्ला उस छेने से। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करी हूँ और मैं वो देख के बनाने की कोशिश की हूँ, क्योंकि मुझे मैं कोई कुक तो हूँ नहीं जो मुझे आएगा ये सब। तो मैं वो देख के बनाने की कोशिश की और मेरा वो खुद से चैलेंज था कि मुझे बनाना है और अच्छा बनाना है। तो चलिए आज मैं बनाऊँगी छेना और आप लोग को दिखाती हूँ कि छेना कैसे बनाते हैं, छेना से रसगुल्ला कैसे बनाते हैं, सॉरी छेना से रसगुल्ला कैसे बनाते हैं। और फिर आज बनाएंगे रसगुल्ला और फिर मैं बनाऊंगी, उसके बाद देखते हैं कैसे बनता है। आई होप अच्छा ही बनेगा और फर्स्ट टाइम है तो देखते हैं कैसे बनता है। ट्राई करते हैं, अच्छा बनेगा फिर भी शेयर करेंगे आप लोग के साथ, पूरा बनेगा फिर भी शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है और मैं टेस्ट करके बताऊँगी, फिर आप लोग अपने घर पर बनाइएगा। और हाँ, वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले छेना को एक कपड़े में रख लेंगे और एक घंटे तक उसे एक कपड़े में रखना है, जब तक उसका पानी ना निकल जाए अच्छी तरीके से। फिर उसे एक प्लेट में रखेंगे, प्लेट में उसे अब जैसे मैं मिला रही हूँ उस तरीके से आपको मिलाना है प्लेट में छेना को, ताकि इससे रसगुल्ला जो वो सॉफ्ट स्मूथ बनेगा। अगर नहीं मिलाएंगे तो अच्छा रसगुल्ला नहीं बनेगा। और हाँ, छेना का पानी पूरे अच्छे तरीके से निकला होना चाहिए, 1 आवर तक आपको उसके कपड़े में रखना है, छेना को अच्छे से बांध करके फिर उसका पानी पूरे अच्छे से निकालना है, उसके बाद ही ये करें। अगर पानी थोड़ा भी होगा तो नहीं अच्छा बनेगा। फिर उसे अच्छे से मिला लेना है, फिर जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे ही छेना को गूंदना है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करना है, सिर्फ छेना ही है। फिर उसका डो बनाएंगे। हाथ को जज मत कीजिएगा, मेहंदी लगा है हाथों में। और ये फिर डो से गोल गोल बनाना और हल्के हाथों से बनाना है, ज़ोर से नहीं बनाना है। मेरा 1/2 लीटर दूध फटा था उससे ये 7 निकला है, 7 बना है रसगुल्ला। अब उसे थोड़े सूती कपड़े जो से ही ढक देंगे कुछ देरों के लिए, जब तक चाशनी बनाते हैं। अब गैस पे रखे हैं बाउल बड़ा वाला, अब उसमें रखेंगे चीनी है मेरा 1 कटोरी। आप 1 कटोरी रखते हैं तो उसमें 2 कटोरी फिर पानी रखना होता है चीनी में चाशनी बनाने के लिए। फिर चाशनी, चीनी और पानी को 5 मिनट तक पकने देना है और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। 5 मिनट तक पकने दीजिएगा इसे। फिर इसमें रखेंगे एक एक करके, जब 5 मिनट हो जाए तो इसमें एक एक करके फिर रसगुल्ला डाल दीजिएगा चाशनी में। मैं रख चुकी हूँ, अभी मैं रखी हूँ रसगुल्ला। हल्के हाथों से वो रसगुल्ला का बनाएगा, गुड़ नहीं तो वो पूरा फट जाएगा। फिर उसके बाद इसे ढक के रखना है 10 मिनट तक, लेकिन बीच बीच में आपको देखते रहना है, नहीं तो पूरा 10 मिनट तक आपको ढक के पकाना है। मैं बीच बीच में हटा रही हूँ, देखिए मेरा रसगुल्ला फूल चुका है थोड़ा थोड़ा, अब मैं बंद कर दी। अब हो चुका है, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है रसगुल्ला। अब इसे डेकोरेट कर दिया जो अट्रैक्टिव लगे देखने में, और खाने में भी देखिए कितना जूसी है, उतना ही सॉफ्ट है और उतना ही स्पॉन्जी है। आप ज़रूर बनाएगा अपने घर पे। तो मैं आ चुकी हूँ मिठाई बना करके, रसगुल्ला बना करके, और फिर देखते हैं कैसे बना। तो चलिए देखते हैं। रसगुल्ला तो बना है, देखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सच बताओ तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत कम टाइम लगा है बनाने में। फिर वो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, पहले मैं टेस्ट करके बता देती हूँ, ठीक। अच्छा लग रहा है, मुझे तो दुकान से भी ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, मुझे तो दुकान से भी ज़्यादा अच्छा लगा है।
बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में, बुरा बिल्कुल नहीं लगा है। और टेस्ट थोड़ा थोड़ा छेना का है लेकिन, और इसमें सच में बहुत अच्छा बना है। और इसमें इंग्रेडिएंट भी कम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस जो घर पे है वही लगेगा बनाने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और खाने में भी टेस्टी है और बनाने में ईजी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और आप चाहते हैं मीठा खाना और फिर खा नहीं पा रहे हैं, या फिर दूध फट गया और उसे फेंकना चाहते हैं, तो बिल्कुल ना फेंकें, उसका कुछ ना कुछ बना लें। तो और दूध फट जाता तो लोग टेंशन में जाते हैं ना कि यो दूध फट गया तो अब क्या करें, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बनाना है मीठा है रसगुल्ला अच्छे ना से। तो चलिए अब चलते, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन रसगुल्ला बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।